नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भाई, आज की क्लास को हम लोग जल्दी से प्रारंभ करते हैं। सभी लोग जल्दी से आ जाओ और सबको गुड इवनिंग, सबको राधे राधे। बिल्कुल भाई, सब लोग जल्दी से आ जाओ, सबको गुड इवनिंग, सबको राधे राधे। हम लोग निरंतर पढ़ाई के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। डेली कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं और आप भी उसका मैं साथ दे रहे हैं। चलिए भाई, सबको गुड इवनिंग, सबको राधे राधे। ऐसे ही आप सभी लोग आगे बढ़ते रहिएगा, आगे सीखते रहिएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया भाई, सब लोग आ गए हैं। और आगे आज की जो क्लास होगी आपकी, वो होगी, टॉपिक होगा आपका एनालॉजी, सादृश्यता, ठीक है। हाँ, सब लोग जानते होंगे, आपका बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो, एक्स वाई जेड, सभी एग्जामों में ये एक या दो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण होगा। टॉपिक का नाम होगा एनालॉजी सादृश्यता। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे, और आज के वही क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। सारे वही क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं सारे बड़े महत्वपूर्ण होंगे। चलिए आइए देखते हैं भाई आज के इस टॉपिक के बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलो भाई देखो जरा क्या है भाई इस क्वेश्चन में, पढ़िएगा। पहले तो इसका एक पॉइंट पढ़िएगा कि पॉइंट में आपसे कैसे पूछा जाएगा, जरा ये पढ़िएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, पढ़िएगा जरा। कह रहा था कि इस प्रकार की परीक्षा में तीन शब्द दिए जाते हैं। अच्छा ठीक है, कह रहा जो पहले दो शब्दों में किसी न किसी रूप से कोई संबंध होता है, मतलब कहने का मतलब है कि इनमें कुछ संबंध है, ठीक है। पहले दो शब्दों में कोई संबंध होता है, इसी आधार पर तीसरे का चौथा संबंध आपको उसी संबंध से चौथा शब्द निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कहा है स्वप्न और वास्तविकता में जो संबंध होगा वही झूठ, और आगे क्वेश्चन मार्क लगा है। तो आगे क्वेश्चन मार्क है, मतलब बताना है कि जैसा संबंध स्वप्न और वास्तविकता का है, वही संबंध झूठ का किसके साथ होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। चलिए बताइए, देखो आंसर भी आना शुरू हो गए हैं। चलो बहुत बढ़िया, देखो जरा, स्वप्न और वास्तविकता ये दोनों बिल्कुल विलोम शब्द हैं एक दूसरे के। स्वप्न कभी सच नहीं होता, वास्तविकता बिल्कुल रियल है, ठीक है ना। ये दोनों आपस में विपरीत हैं। अरे भाई, जब ये दोनों आपस में विपरीत हैं तो बताओ जरा झूठ का विपरीत क्या हो जाएगा। तो सब जानते हैं झूठ का विपरीत यहां ऑप्शन में सत्य है, तो आपका राइट ऑप्शन सत्य हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर सब लोगों का, बिल्कुल भाई सब लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया है। स्वप्न वास्तविकता दोनों अपोजिट हैं, तो झूठ और सत्य दोनों अपोजिट हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो आगे बताओ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा। देखो जरा, यहाँ पे पाउंड लिखा है, यहाँ पे एन लिखा है ना, पाउंड और एन लिखा है, पोलो फिर आगे क्वेश्चन मार्क है, ये आपको बताना है। जरा ये देखो, पाउंड और एन दोनों एक समूह के हैं, यानी दोनों मुद्राएं हैं। पाउंड भी मुद्रा है, एन भी मुद्रा है, दोनों मुद्राएं हैं। जब दोनों एक समूह के हैं, अब इसमें एक समूह के ढूंढना है। पोलो एक खेल होता है, क्या होता है, खेल होता है। तो छड़ी तो कोई ये खेल है नहीं, सवारी तो कोई खेल है नहीं, घोड़ा तो कोई खेल है नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हॉकी, क्योंकि पाउंड और एन ये मुद्राएं एक समूह की हैं। तो यहाँ पे पोलो और हॉकी ये खेल हो गए, एक समूह के हो गए। बिल्कुल सबका आंसर आ गया था। चलो बहुत बढ़िया भाई, ऐसे ही आंसर आने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, एक नंबर फ्री का मिलता है आपको, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो बताओ जरा क्या हो जाएगा। ये देखो, यहाँ आवाज़ के बारे में बताया है कि वदक की जो आवाज़ है वो कौं कौं है, इस तरह से, और हिन हिनाट पूछ रहा है बताओ ये आवाज़ आपने किस जानवर से सुनी है। बताओ, ये तो चलो वदक की आवाज़ हो गई, तो हिन हिनाट बताओ कौन से जानवर से आपने इस तरह की आवाज़ सुनी है। ये देखो भाई, आंसरों की बहुत छार शुरू हो गई है और आगे भी ऐसे ही होती रहेगी, क्योंकि इस प्रकार के बड़े मज़ेदार क्वेश्चन चल रहे हैं। तो बिल्कुल सही कहा भाई, यहाँ पे हिन हिनाट जो है वो घोड़े से आपने सुनी होगी। घोड़ा जो जब आपसे बात करता है तो वो हिन हिनाट के रूप में बात करता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही आंसर आया, तीसरे का बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, चलिए अपने क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। चलो चौथा वाला बताओ भाई क्या हो जाएगा। सिपाही रेजिमेंट है, घोड़ा, फिर आगे क्या हो जाएगा, बताओ भाई क्या हो जाएगा। सब लोग इसका भी आंसर बताएंगे।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बता रहे हैं सब लोग। बिल्कुल बताओ भाई, क्या है सिपाही और रेजिमेंट? देखो दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं कि नहीं? बिल्कुल एक दूसरे से संबंधित हैं। रेजिमेंट क्या होता है? रेजिमेंट होता है सिपाही की जो टुकड़ी बनती है, जो सेना बनती है, उसके समूह को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिडेंट कहते हैं। कहने का मतलब सिपाही जो है रेजिमेंट का एक हिस्सा होता है। क्या होता है? हिस्सा। अब यहाँ पे ये देखो, नौसेना, बेड़ा, अश्वरोही सेना, ये देखो ये क्या है? जो घोड़े हैं उनकी जब सेना बनती है तो उसको कहा जाता है अश्वरोही सेना। इसका मतलब सिपाहियों की सेना रेजिमेंट है तो घोड़ों की सेना अश्वरोही सेना कहलाएगी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आप सब ने बताया था भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, जो सब लोगों ने बड़े अच्छे से समझ के आंसर बताया है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। काफ़ी लोगों को 5 का आंसर आ गया है, चलो बहुत बढ़िया। चलो ऐसे ही सबके आंसर आते रहें। बिल्कुल सही आंसर आया है। ये देखो, ये जो शब्द है आपका, ठीक है, हाँ, ये शब्द क्या होता है? टिकटों के अध्ययन को कहा जाता है। यहाँ पे टिकट है, क्या है ये? टिकट है, ठीक है। तो टिकट के अध्ययन को ये कहा जाता है, और आप जानते हैं सिक्कों के अध्ययन को ये कहा जाता है। तो देखो कहीं ऑप्शन में सिक्का मिला है? बिल्कुल मिला है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। टिकटों के अध्ययन को ये कहा जाएगा, सिक्कों के अध्ययन को आपका ये कहा जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6वां क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 6वां भी आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ क्या होगा? ईंट का दीवार से निर्माण होता है। बहुत बढ़िया, ईंट का दीवार से निर्माण होता है। उसी प्रकार ऊतकों से मिलकर बताना है तुम्हें क्या बन जाएगा। ऊतकों से मिलकर सेल लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, देखो भाई, ईंट और दीवार मतलब क्या है? दीवार जो है ईंटों से मिलकर बनी हुई होती है, और यहाँ पे जो सेल से मिलकर बनते हैं उन्हें हम ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो यहाँ राइट ऑप्शन आपका ऊतक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो भाई आगे कुछ क्वेश्चन और आपके लिए लाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 7वां क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, सबका आंसर आना चाहिए। चलो 7वां क्वेश्चन बताओ क्या हो जाएगा? चलो भाई 7वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पश्चिम से, वेरी गुड, उत्तर पूर्व, दक्षिण से, क्वेश्चन मार्क। देखो पश्चिम से उत्तर पूर्व आता कहाँ है ये तुम्हें निकालो। चाहे घड़ी की दिशा में जाओ, चाहे घड़ी के विपरीत दिशा में जाओ, पश्चिम से जब उत्तर पूर्व जाओगे, पश्चिम आपका कुछ इस तरह है, उत्तर पूर्व कुछ आपका इस तरह है, तो घड़ी की दिशा में क्या हो जाएगा? 135 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? घड़ी की दिशा में 135 हो जाएगा। चलो दक्षिण से 135, चलो दक्षिण आपका कुछ इस तरह है, यहाँ से 135 जाएंगे तो ये 90 हुआ, ये 135 हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे भाई? जैसे हम लोग कहेंगे उत्तर और पश्चिम कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तर और पश्चिम कहेंगे। वेरी गुड, सबका आंसर बिल्कुल सही आया। क्या बात है, बातों को बहुत अच्छे से समझ लेते हो, और इस तरह तो क्वेश्चन बड़े सरल माने जाते हैं। आप सबके आंसर आ जाने चाहिए एग्जाम में। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप सभी विद्यार्थियों का हो जाना चाहिए। डायरेक्शन के संबंध से एनालॉजी करके क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको कैसे बताना है? या तो जितने अंश वो चाहे तो आप दक्षिणावर्त दिशा में जाएं, चाहे आप वामावर्त दिशा में जाएं, ठीक है। जितने अंश आप दक्षिणा में जाएंगे तो उतने ही अंश आगे दक्षिणावर्त में चले जाओ, अगर आप वामावर्त में जाएंगे तो उतने ही अंश वामावर्त में चले जाओ, इस तरह से। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ। आप सब लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, कह रहा था जिस प्रकार बताना है, जिस प्रकार क्या कह रहा था? मरुधान का संबंध मरुस्थल से है, उसी प्रकार सागर का संबंध किससे होगा? हाँ, ऐसे ही जल्दी जल्दी से आंसर आने चाहिए भाई, और जितने विद्यार्थी हैं सबके आंसर आने चाहिए। आपको क्या लग रहा है ना, ये सारी डिटेल आप बताते रहिएगा, सबके आंसर आएँ, थोड़ा स्पीड से आंसर आएँ, क्योंकि एनालॉजी सादृश्यता तो एक क्वेश्चन आपका हमेशा मिलता है, कोई भी एग्जाम हो एक्स वाई जेड। चलो बताओ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? क्वेश्चन नंबर 8 का बताओ भाई क्या हो जाएगा?
चलो बताओ, ये जो मरु उद्यान है ये पता क्या होता है? मरु उद्यान का मतलब है जैसे मरुस्थल का उद्यान, ठीक है, बगीचा इस तरह से। तो जो मरुस्थल का जो उद्यान होता है वो मरुस्थल में पाया जाता है। अब आपको ये बताना सागर में क्या होगा, इनमें से सागर में क्या होगा? तो जानेंगे सागर में क्या होता है, द्वीप। द्वीप जो है ना वो सागर में ही होते हैं। कहाँ होते हैं? सागर में ही। तो यहाँ पे द्वीप आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये तो दोनों बिल्कुल गलत है, प्रायद्वीपी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रायद्वीपी सागर में नहीं होता है। द्वीप जो है मतलब वो सिरा जो चारों ओर पानी से घिरा हो वो द्वीप हो जाएगा। तो वही जाके मध्य में होगा, सागर में स्थित होगा। मरु उद्यान मरुस्थल में होगा और द्वीप जो है वो सागर में स्थित हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ भाई सब लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ भाई क्या हो जाएगा? सबका आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा भाई? सुरक्षित और निरापद, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? सुरक्षित और निरापद। फिर आगे क्या पूछा? रक्षा करना, ठीक है, हाँ क्वेश्चन मार्क है। चलो बहुत बढ़िया, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? सुरक्षित और निरापद। ये शब्द बड़ा अजीब लग रहा होगा, निरापद क्या है, है ना? आपको बताएं, सुरक्षित और निरापद ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। क्या हैं ये? एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है ना, हाँ ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अब बताओ रक्षा करना इसका क्या सिनोनिम्स बन जाएगा? यहाँ पे रक्षा करना या चौकसी करना, ये इसका बिल्कुल सिनोनिम्स कहलाएगा। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 9 का, बिल्कुल सही का, हाँ 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रक्षा करना का जो सिनोनिम्स है चौकसी करना, एक ही बात है ना, चौकसी करना। चलो बहुत बढ़िया, चलो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना, बहुत बढ़िया, 10 का बहुत जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए सबका। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप सबका आ जाना चाहिए, बहुत स्पीड से आंसर आना चाहिए। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? चिकित्सक उपचार करता है तो न्यायाधीश क्या करता है? चलो बताओ जल्दी से, न्यायाधीश क्या करता है? ये तो पता ही है, दंड नहीं देता है। ऐसे नहीं कि वो सबको दंड देता हो, वकील, अदालत। अरे भाई, चिकित्सक उपचार करता है तो न्यायाधीश क्या करता है? सब लोग जानते हैं, न्यायाधीश निर्णय करता है। क्या करता है? निर्णय करता है। अक्षा मतलब सही गलत की पहचान दिलाता है, गलत को दंड देता है, सही को बरी करता है, ठीक है। तो ये एक निर्णय है, क्या हो जाएगा? निर्णय है। तो चिकित्सक जिस प्रकार उपचार से संबंधित है, उसी प्रकार न्यायाधीश जो है वो निर्णय से संबंधित हो जाएगा। चलो ये तो बहुत क्वेश्चन सरल है भाई, 11वां क्वेश्चन तो हर एक विद्यार्थी का जाना चाहिए, बिल्कुल सही, 11 जो हर एक विद्यार्थी का आंसर आ जाना चाहिए, बहुत सरल है। सब जानते हैं वास्तुकार कौन होते हैं, जो भवन का निर्माण करते हैं, है ना, हाँ भवन की आकृति को बनाते हैं वो वास्तुकार कहलाते हैं। तो मूर्तिकार जो मूर्ति बनाते हों, संग्रहालय, पाषाण, छेनी, अरे क्या बात है, ऑप्शन भी बड़े मज़ेदार थे, आपने जैसे ही देखा तुरंत आंसर आ गया, मूर्तिकार या प्रतिमा, ठीक है। तो ये बनाते हैं और ये आपकी प्रतिमा बनाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, ये देखो 12वां क्वेश्चन आया, बड़ा मज़ेदार आया भाई, 12वां क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार आया। चलो इसका बताओ क्या हो जाएगा? बिल्कुल 12वां क्वेश्चन आप सबका आंसर आ जाना चाहिए, बर्फ, शीतलता और पृथ्वी के आगे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना, हाँ बर्फ, शीतलता और पृथ्वी के आगे, मतलब क्या है यहाँ पे? बर्फ में शीतलता होती है, होती है कि नहीं? अब पृथ्वी में भार नहीं, यहाँ पे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, जंगल समुद्र नहीं कर देना कि पृथ्वी में जंगल है, पृथ्वी में समुद्र है, नहीं ये चीज नहीं है, ठीक है। बर्फ यहाँ भाव है, बर्फ से शीतलता है, तो यहाँ पे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण आकर्षित होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 बताओ, 13 का क्या हो जाएगा? 13 के क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, बड़े मस्त हैं, एक रसता, विविधता, ऊर्जापन। चलो इसका बताना था आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रहे होंगे आप सबको, क्योंकि शब्द ही हैं कुछ इस तरह से। अरे ये शब्द आपको हम बताएं ना, ये शब्द क्या है देखो जरा, ये एक रस्ता और ये विविधता, ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं, क्या हैं? समानार्थी हैं, ठीक है, हाँ ये आपस में बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। अब ये देखो इसका क्या बन जाएगा, ठीक है, ये सुसंकृता बन जाएगा, क्या बन जाएगा? हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल, हाँ सुनो, ये सिनोनिम्स नहीं है, ये विलोम शब्द हैं, क्योंकि यहाँ से समझ में आ गया था भाई, ये बिल्कुल है। विविधता का मतलब चारों तरफ होता है, इकसरता मतलब एक तरफ, आपस में ये विलोम शब्द हैं। तो इसका जब हम विलोम बनाएंगे, इसका विलोम ये बन जाएगा, ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
ये दोनों आपस में विलोम शब्द हैं और वो भी आपस में विलोम शब्द हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बताओ क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 14 बताओ। घर कमरा विश्व क्वेश्चन मार्क, घर कमरा विश्व क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होगा, घर में क्या होगा, कमरा होगा, है ना। अब जरा विश्व में क्या होगा ये जरा हम लोग देखते हैं, भाई ये देख लेते हैं विश्व में क्या होगा भाई। ठीक है, हाँ बिल्कुल देखते हैं विश्व में क्या होगा। जिस तरह घर कमरे से संबंधित है उस तरह विश्व में क्या होगा, देखो जरा। जमीन, सूर्य, हवा और राष्ट्र, ये देखो बहुत बढ़िया। क्या घर कमरों से मिलकर बना है, तो घर कमरों से मिलकर बना है तो विश्व राष्ट्र से मिलकर बना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14 का। बिल्कुल सही आंसर आ गया था सब लोगों का, जैसे ही ऑप्शन देखा तुरंत आंसर आ गया था, चलो बहुत बढ़िया। चलो 15 का बताओ क्या बन जाएगा, कैमरा लेंस हो जाएगा फिर फ्लैश का क्वेश्चन मार्क। चलो इसका क्या बन जाएगा, जिस प्रकार कैमरे में लेंस होता है तो फ्लैश कहाँ मिलेगा बताओ भाई, सुबह मिलेगा कि रात की, प्रकाश की शटर, ये देखो बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्या हो जाएगा देखो, कैमरा, कैमरा का क्या है, जो मेन पॉइंट होता है वो लेंस होता है ना, उसी तरह फ्लैश क्या है, प्रकाश का पॉइंट होता है। किसका होता है, फ्लैश का काम क्या है, प्रकाश डालना। अंधेरे में फोटो खींचेंगे तो जब चेहरे पे प्रकाश नहीं आएगा तो फोटो किसकी आएगी भाई, तो हम लोग फ्लैश करवा देते हैं, लाइट ऑन करवा देते हैं, प्रकाश हो जाएगा। चलो भाई 16 का बताओ, 16 का क्या हो जाएगा बताओ भाई, 16 का आंसर क्या बन जाएगा भाई, सबका आंसर आना चाहिए 16वां, बहुत सरल है। मकान, किराया, पूंजी का क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हाँ 16 का आंसर बताओ क्या हो जाएगा, बिल्कुल भाई, मकान से किराया मिलता है, पूंजी से क्या मिलता है, अरे भाई ब्याज मिलता है, क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। मकान जो है किराए से उठा दो तो किराया मिलता है, पूंजी ब्याज पे उठा दो तो ब्याज मिलता है, क्या बात है, क्वेश्चन बड़े सरल हैं। लो ये तो और भी सरल है, सोमवार से शनिवार तो बृहस्पतिवार से बताओ। अरे सोमवार जो है वो शनिवार से दो दिन पहले आता है, या ऐसा कह लो शनिवार दो दिन पहले है, है ना, तो यहाँ बृहस्पति, या ऐसा कह लो इनमें एक दिन का अंतर है वो भी माइनस की ओर, यहाँ मंगलवार हो जाएगा क्योंकि बुधवार का फर्क हो जाएगा। बिल्कुल सही, 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक दिन छोड़ के कह सकते हो, बीच में एक दिन की गैपिंग हो गई, माइनस दो कह सकते हो, सोमवार में दो घटाओ, यहाँ दो घटाओ, ठीक है ऐसे भी कह सकते हो, तो सोमवार में दो घटाएंगे शनिवार हो जाएगा, गुरुवार में दो घटाएंगे मंगलवार हो जाएगा। चलो अगला बताओ, क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो जाएगा, ढांचा, मकान, अस्थि पिंजर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ढांचा जो है वो क्या होता है, मकान का स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, मकान का स्ट्रक्चर होता है। अब बताओ ये अस्थि पिंजर क्या होता है, अस्थि पिंजर मतलब हड्डियों से बनी हुई आकृति, हड्डी कहाँ, तो शरीर में भाई, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, शरीर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, 18 का सबका आंसर शरीर आया था, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं 19 के पास, कहाँ मिलते हैं 19 के पास, चलो 19 वाला बताओ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। सत्यजीत रे फिल्म है तो पिकासो क्या है, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, हाँ सत्यजीत रे फिल्म है तो बताओ पिकासो क्या है, चलो बताओ बताओ भाई, सत्यजीत रे फिल्म, निर्देशक सत्यजीत रे, कुछ याद आया ना, हाँ सत्यजीत रे कौन है, फिल्म के निर्देशक हैं ये, कौन है, फिल्म के निर्देशक हैं ये, तो पिकासो क्या है, पिकासो एक चित्रकार है, ये क्या है, ये चित्रकार है, ये एक चित्रकार हैं, ठीक है, हाँ ये फिल्म से संबंधित हैं, फिल्म के निर्देशक हैं, तो पिकासो एक चित्रकार हैं। चलो आगे बताओ 20 का क्या हो जाएगा, 20 का बताओ क्या बनेगा, मीनू भोजन होता है, कैटलॉग किसका होता है बताओ, कैटलॉग किसका होता है, मैगजीन का, पुस्तक का, अखबार का, रैक का, बताओ भाई कैटलॉग कहाँ मिलता है, कैटलॉग किसे कहते हैं, आपने देखा होगा कैटलॉग जो सूची होती ना, हाँ उसे हम कहते हैं, जैसे पुस्तक, पुस्तकालय में जाओ पुस्तकाओं की जो सूची लगी होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, कैटलॉग कहते हैं। और भोजन खाने जाओ तो हाँ मीनू मिल जाता है कि ये हैं, ये मीनू के लिस्ट में ये सामान है तो ये आपको मिलेगा, तो मीनू जो है भोजन से संबंधित है, कैटलॉग जो है पुस्तक से संबंधित है, चलो बताओ
अरे ये तो बहुत सरल है भाई, अच्छा बुरा आपस में विलोम शब्द हैं, तो छत और फर्श आपस में विलोम हो जाएंगे। छत ऊपर है, फर्श नीचे है, हाँ बिल्कुल जस्ट अपोजिट लिखे हुए हैं। चलो बताओ भाई, 22 वाला बताओ क्या हो जाएगा, 22 का आंसर बताओ क्या होगा भाई, ठीक है ना। हाँ 22 का आंसर बताओ क्या बनेगा, 22 का बताओ क्या बनेगा, शेर माद खरगोश में क्या बन जाएगा बताओ जल्दी से, सबके आंसर आ जाने चाहिए स्पीड से। हाँ बहुत स्पीड से आंसर आने चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 22, 22 का भी आंसर हो जाना चाहिए, शेर माद खरगोश। अरे क्या बात है, 22 वाला तो और भी सरल होता है भाई, क्या है माद में कौन रहता है, तो आप कहेंगे खरगोश, सॉरी शेर, माद में कौन रहेगा, शेर, तो बताओ खरगोश कहाँ रहता है बताओ, सब जानते हैं खरगोश घाटी पे थोड़ी नहीं रहता है, खरगोश बिल में रहता है ना। हाँ ऐसा नहीं करना, नहीं खरगोश से कह दो जाओ भाई आप ना घाटी पे रहने लगो, तो खरगोश कहाँ रहेगा, बिल में रहता है, कहाँ रहता है बिल में। चलो ये वाला बताओ, 23 वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, घड़ी के लिए समय है तो अखबार किसके लिए है बताओ भाई, अगर घड़ी में समय मिलता है तो अखबार में समाचार मिलते हैं, क्या मिलते हैं, समाचार मिलते हैं, तो आप बिल्कुल सही बताएंगे भाई, घड़ी के लिए समय है तो अखबार में समाचार हो जाएंगे, ठीक है। चलो बताओ विशुद्ध और प्रामाणिक, चलो बताओ विशुद्ध और प्रामाणिक क्या होता है, मृग तृष्णा और आगे क्या बन जाएगा, चलो 24 का आंसर बताओ क्या हो जाएगा। हाँ विशुद्ध और प्रामाणिक और मृग तृष्णा, चलो बताओ क्या हो जाएगा, आगे क्या बनेगा, 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है बताओ जरा। अरे विशुद्ध और प्रामाणिक ये आपस में सिनोनिम्स हैं, ठीक है हाँ, तो मृग तृष्णा और भ्रम ये आपस में सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है हाँ बिल्कुल आपस में सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। चलो आगे 25वां बताओ क्या हो जाएगा, गड़गड़ाहट और वर्षा, क्या बात है बहुत बढ़िया, और रात्रि का बताना है, क्या बताना है, रात्रि का बताना है, तो आप जानते हो ना जब वर्षा होती है तो गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, रात्रि में क्या होता है आप सब जानते हैं, अंधेरा होता है, क्या होता है रात्रि में, अंधेरा होता है, बिल्कुल सही बताया भाई रात्रि में अंधेरा होता है। तो आज आपने एनालॉजी स्लोगिस्म सॉरी एनालॉजी के सादृश्यता के आपने 25 क्वेश्चन देखे, कितने क्वेश्चन देखे, 25 क्वेश्चन, ठीक है ना, और आपको एग्जाम में अभी ऐसे ही मिलते हैं संबंधित वाले, तो आप ये कम से कम तरीका तो सीख गए हैं, इतने सारे क्वेश्चन को करने से कम से कम ये तो लगा कि हाँ जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे करना होगा, चार ऑप्शन में जो एक संबंधित होगा वो हमें बताना होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चनों की श्रृंखला से सभी लोग जुड़े रहिएगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते रहिएगा, अभी आपने 25 क्वेश्चन देखे, आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ढेर सारा रिवीजन कर लेंगे और आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी मिलते रहेंगे, ठीक है आगे भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। चलिए समय आ गया है, आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं, आप सबको फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको शुभ रात्रि।